हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का एक नया और सनसनीदार टॉपिक है, कह सकते हैं। हम लोगों का टॉपिक आज का है डिग्री। पिछले क्लासेस में हमने कंजक्शंस पढ़ा, क्लॉजेस पढ़ा। आज के टॉपिक में हम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिग्री। डिग्री बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं। डिग्री, डिग्री क्या होती है? डिग्री की शाब्दिक हिंदी होती है अवस्था। अवस्था, अब अवस्था किसकी होगी? अवस्था किसी नाउन की होगी, और नाउन की अवस्था क्या होगी? या तो अच्छी होगी या तो बुरी होगी, सुपीरियर इंफीरियर जो भी आप चाहे कह सकते हैं। तो डिग्री क्या होती है? किसी के गुण दोषों की, दो व्यक्ति दो वस्तु या एक व्यक्ति एक वस्तु की दो से अधिक या दो से तुलना या समानता की जाए उनके गुणों और दोषों की, तो ये कहलाती है डिग्री। डिग्री हमारे इंग्लिश ग्रामर में तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसको हम बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मींस देखिए, पॉजिटिव डिग्री को हम कह सकते हैं सामान्य अवस्था। मींस यदि अच्छा है तो आप अच्छा कहें, ना अच्छा हो ना अच्छा कहें, बुरा हो बुरा कहें। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का जिक्र डिग्री के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिविटी की ही बात की जाएगी, नेगेटिविटी की बात का भी जिक्र हम लोग डिग्री में करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री को हम लोग कहते हैं उच्चतर अवस्था या तुलनात्मक अवस्था। उच्चतर अवस्था या तुलनात्मक अवस्था, ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री के अंतर्गत आती है। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग कह सकते हैं श्रेष्ठतम या उच्चतम अवस्था। इस तरीके से हम लोग डिग्री को डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा किसी एडजेक्टिव को, जो व्यक्ति जैसा रहे, अगर सकारात्मकता का मीनिंग हो तो उसको उसके गुण को, और नकारात्मकता का मीनिंग हो तो उसके दोष को डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में हम लोग रखते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक एक व्यक्ति की दो लोगों से तुलना, तुलना कंपेरेटिव में, कंपेयर वर्ड से कंपेरेटिव वर्ड बना है। तो जब तुलना की जाती है किसी की, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, दोनों तुलना, तो हमारी कंपेरेटिव डिग्री में ये रखी जाती है। पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री को हमने समझा। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति वस्तु की एक से अधिक लोगों यानी कि समूह में पूरी तुलना होना सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। जब दो की बात हो तो कंपेरेटिव डिग्री का जिक्र, दो से अधिक की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र, दो व्यक्तियों में तुलना हो तो कंपेरेटिव, दो व्यक्तियों में समानता हो तो पॉजिटिव, और दो से अधिक लोगों में तुलना हो तो हम लोगों की सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कंपेरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है, उससे किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस किस में है, उससे पहले, जानने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को क्या हम करते हैं। जैसे अगर हम, आई होप ये वाला आप समझ लिए होंगे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यदि कह दिया जाए ही इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस आप कह सकते हैं ही इज एज गुड एज यू, एक सेंटेंस ऐसे कहा जा सकता है। दूसरा सेंटेंस कहा जा सकता है ही इज नॉट
so good as. तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है वह एक अच्छा है लड़का है. जिस अवस्था में उसकी अच्छाई है उसी अवस्था में आपने एडजेक्टिव को रख दिया डिग्री के माध्यम से. तो वह एक अच्छा लड़का है, तो ये गुड हमारा एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है. ही इज नॉट सो गुड, ये भी एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री में है. ही इज एज गुड एज, ये भी एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री में है. परंतु ये तीनों सेंटेंस हमारे किस में है? ये तीनों सेंटेंस हमारे जिक्र कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की. अब यदि सेंटेंस कहा जाए ही इज बेटर देन यू, पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस ही इज नॉट सो बेटर देन यू, एक सेंटेंस ये. दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं ही इज मोर ब्रिलियंट देन यू. ये थ्री सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. ये तीनों सेंटेंसेस किसकी बात कर रहे हैं? ये तीनों सेंटेंसेस हम लोगों को कंपेरेटिव की बात कर रहे हैं. ये तीनों सेंटेंसेस कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं. ऊपर के दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं. एक सेंटेंस ये है, एक ये है और एक ये है. ये सेंटेंस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस कंपेरेटिव की बात कर रहे हैं. अब देखिएगा यही गुड बेटर में चेंज हो गया, यहाँ भी बेटर में चेंज हो गया और यहाँ मोर ब्रिलियंट बन गया. एक नया वर्ड मोर ब्रिलियंट है यहाँ और ये गुड बेटर है. आप देखिए इसमें पॉजिटिव डिग्री में किसी भी व्यक्ति की वस्तु की जो अवस्था रहती है उसको लिख दिया जाता है. या एक जैसे ही दो व्यक्तियों वस्तुओं में आपस में समानता की जाती है. पॉइंट करिएगा, समानता न कि तुलना. कंपेयर न कर करके हम लोग क्या करते हैं? समानता करते हैं. समानता का मतलब होता है कि उसके गुण की उसके दोष की आपस में मिलान करना, समानता करना. ये हम लोगों का पॉजिटिव डिग्री में कहा जाएगा. लेकिन जब हम कंपेयर करने लगेंगे, तुलना करने लगेंगे, तो तुलना में कोई एक अच्छा निकलेगा, कोई एक अच्छा नहीं निकलेगा तुलना में. तो ये हम लोग कंपेरेटिव डिग्री में कहेंगे. और सुपरलेटिव में हम लोग बात करते हैं किसी भी एडजेक्टिव की सुपीरियर की बात. तो हम किसी भी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं कि इज द बेस्ट बॉय कर सकते हैं. या हम दूसरा सेंटेंस कर सकते हैं कि इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय कर सकते हैं. या हम ऐसे कह सकते हैं कि इज वन ऑफ द बेस्ट. इस तरीके से हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करते हैं? तो हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं. आप कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में रखा है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना? यहाँ तक आपको समझ आया? अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या किया, वो लड़का जिस अवस्था में था हमने बता दिया कि गुड है. हमने दूसरे सेंटेंस में ही की एज से समानता की, न की तुलना की. तो हमने समानता की तो दोनों समान मिले, और जब दोनों समान मिले तो वह उतना अच्छा है जितना कि तुम. एज और एज, सो और एज का मतलब इतना, उतना, उतना, इतना, उतना, जितना, ऐसे प्रकार से मीनिंग निकलता है. तो ये देखिएगा एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज, इसमें क्या मीनिंग निकला? ही इज नॉट सो गुड एज यू का मतलब हो गया कि वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम हो. दोनों की अच्छाई की समानता हुई तो पता चला पहले सेंटेंस में किसी की सामान्य बात हो गई, दूसरे सेंटेंस में समानता हुई तो दोनों आप समान निकले, कोई किसी से कम नहीं निकला. लेकिन तीसरे सेंटेंस में देखा जाए तो ही इज नॉट सो गुड एज यू, यानी कि तब कौन अच्छा हुआ? तुम ही तो अच्छे हुए.
कह रहा है वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम, तो वह कम अच्छा हुआ, तुम ज्यादा अच्छे हुए सेंटेंस के अनुसार। तो जब हमने समानता की तो ही कम निकला, यू ज्यादा निकला। तो इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या क्या हम सीखेंगे? पॉजिटिव डिग्री को समझने के लिए हमारे सेंटेंस में तीन पॉइंट होने चाहिए। एक, हम लोगों का सिर्फ एडजेक्टिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होना चाहिए सो के साथ एज, यानी ऐसे कह सकते हैं सो एडजेक्टिव एज। और तीसरा पॉइंट होगा एज एडजेक्टिव एज। ये हम लोगों को किसकी बात करते हैं? ये तीन पॉइंट हमको पॉजिटिव डिग्री को समझने की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, ये तीन पॉइंट पॉजिटिव डिग्री से पहचाने जाते हैं। ये तीन पॉइंट्स अगर किसी सेंटेंस में दिए हो तो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। अब देखिए कंपरेटिव डिग्री में क्या क्या आ सकता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस कंपरेटिव डिग्री में है। उसको पहचानने के लिए हम सभी को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना होगा। पॉजिटिव डिग्री में हम लोगों को सिर्फ एडजेक्टिव मिलेगा, सो के साथ एडजेक्टिव मिलेगा और एज के साथ एडजेक्टिव मिलेगा। लेकिन जब कंपरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपरेटिव डिग्री में हमें मिलेगा तीन पॉइंट, यहाँ भी मिलेगा। एक मिलेगा एडजेक्टिव इन कंपरेटिव डिग्री, दूसरा मिलेगा एडजेक्टिव इन कंपरेटिव डिग्री प्लस देन, तीसरा मिल जाएगा मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन THEN। ये तीन पॉइंट रहे तो हम लोगों को क्या समझ जाना है? हम लोगों को समझ जाना है देन। देखिएगा एडजेक्टिव इन कंपरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव इन कंपरेटिव डिग्री प्लस देन, ही इज नॉट बेटर देन, या सो नहीं होना चाहिए था, ही इज नॉट बेटर देन यू। इसके बाद ही इज मोर ब्रिलियंट, तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, ये तीन की बात होती है कंपरेटिव डिग्री में। कंपरेटिव डिग्री में ये तीन पॉइंट्स अगर हो तो सेंटेंस पता चल जाएगा कि दिया गया सेंटेंस कंपरेटिव डिग्री में है। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, कैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को पहचानते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री के तीन पॉइंट, कंपरेटिव डिग्री के थ्री पॉइंट, अब सुपरलेटिव डिग्री के थ्री पॉइंट कौन कौन से हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, ये अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको पूछता है पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव डिग्री में, कंपरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से वापस पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन उसको करने से पहले ये जानना आवश्यक है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपरेटिव होगा सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में तीन पॉइंट कौन कौन सा, द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, क्या क्या, द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा पॉइंट द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव रहेगा, द प्लस प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, कोई ना कोई नाउन आएगा। तो आप इसको चाहे नाउन यहाँ लिखे चाहे फुल स्टॉप कर दे, नाउन प्रोनाउन भी कर सकते हैं, नाम नहीं रहेगा तो प्रोनाउन आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट रहेगा वन ऑफ द प्लस, यदि एडजेक्टिव कंपरेटिव डिग्री सुपरलेटिव में बन जाए तो एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री समझेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर ना बने तो आपको आगे आगे बताया जाएगा, अभी मोस्ट लगाते हैं, द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव
प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री या वन ऑफ द प्लस मोस्ट। तो इसी सेंटेंस को देखिएगा, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री ये वाला हो गया, एडजेक्टिव इन द प्लस मोस्ट ये वाला पॉइंट देखिए, और तीसरा वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ये वाला पॉइंट हो गया, और चौथा मोस्ट वाला भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय, यहाँ देखिएगा ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज। अब देखिए एक रूल चलता है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक रूल चलता है कि और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। क्या रूल है ये, कभी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ द दिया हो, वन ऑफ द, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, इसको समझिएगा, प्लूरल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, ये एक रूल है। जैसा आपने देखा था कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज मैंने लिखा था, ना कि मैंने बॉय लिखा था, क्योंकि ऐसा रूल है कि बहुत सारे बॉयज में एकमात्र ब्रिलियंट लड़का कोई है, इसलिए बॉयज लिखना इम्पोर्टेंट है और ये गलत हो जाता है। कई बार एरर में क्वेश्चन पूछ लेता है वन ऑफ द के बाद, तो ध्यान रखना है वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है ना, या प्लूरल सब्जेक्ट और क्या रहेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे, पहचान गए कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को, कंपरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव में, एक एडजेक्टिव को, सेम एडजेक्टिव को कंपरेटिव में, और सेम एडजेक्टिव को हम लोग सुपरलेटिव में डिनोट करते हैं। तो देखिएगा इसके रूल्स हैं कुछ, ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं उसको समझेंगे। पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि यदि किसी एडजेक्टिव में हम लोग ई आर लगा दें तो वो कंपरेटिव, और ई एस टी लगा दें तो सुपरलेटिव बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे वर्ड को कंपरेटिव पहचानने के लिए ई आर अंत में लगा होता है और ई एस टी लगा होता है, तो ई एस टी लगा हो तो ये क्या होता है, सुपरलेटिव, और ई आर लगा हो तो कंपरेटिव। ई आर लगा हो तो कंपरेटिव, ई एस टी लगा हो तो सुपरलेटिव, मोर लगा हो तो भी कंपरेटिव की बात होती है, मोस्ट लगा हो तो सुपरलेटिव की बात होती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो अब क्या करते हैं, इसी ई आर को और ई एस टी को ही हम लोग एडजेक्टिव में अप्लाई करते हैं। तो दिया गया वर्ड हमारा कंपरेटिव में और दिया गया वर्ड हमारा पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। कैसे समझेंगे, देखिएगा, सबसे पहला रूल, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई भी वर्ड हो उसके अंत में हम ई आर को ऐड कर दें तो वो कंपरेटिव, और ई एस टी को ऐड कर दें तो सुपरलेटिव बन जाता है। इससे रिलेटेड कई सारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे ये समझिएगा पॉजिटिव डिग्री लिखा है और ये कंपरेटिव डिग्री लिखा है, ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। ठीक है ना, इसको समझिएगा। तो आप किसी एडजेक्टिव को कैसे बनाएंगे, बहुत बेसिक है, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने के लिए यहाँ तक हम लोगों को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज एडजेक्टिव में ई आर लगेगा कि नहीं, ई आई में बनेगा कि नहीं, ई रिमूव होगा कि नहीं, आई वाई में चेंज होगा कि नहीं, मोर लगेगा, मोस्ट लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो वन बाय वन हम लोगों को रूल सीखना इम्पोर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव में हम लोग क्या लगा दें, ई आर लगा के, तो बोल्ड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्डर और बोल्डेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रूल बना एडजेक्टिव प्लस ई आर तो हम लोग बन गया कंपरेटिव, और इसमें क्या होता, एडजेक्टिव प्लस ई एस टी ये ऐड हुआ तो बन गया सुपरलेटिव। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। इसमें दूसरा मिल सकता है ब्राइट, तो इसका हो जाएगा ब्राइटर
ब्राइटेस्ट। ईएसटी देखिए ऐड हो रहा है ना, सुपरलेटिव में ईएसटी और कंपरेटिव में ईआर। आगे के वर्ड्स हम लोगों को मिल सकते हैं कोल्ड, तो हो सकता है कोल्डर और कोल्डेस्ट, ठीक है। और मिल सकता है कूलर, कूल तो हो जाएगा कूलर और कूलेस्ट। और देख सकते हैं वर्ड्स क्लीन, क्या हो जाएगा क्लीनर, क्लीनेस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस इसमें ई आर एड करके कंपरेटिव, ई एस टी एड करके हम लोगों को सुपरलेटिव डिनोट करना है, ठीक है। और देखिएगा अगला रूल क्या कहता है। एक रूल हम लोगों का ये हुआ, दूसरा रूल हम लोगों का कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई ना कोई नाउन हो और उस नाउन के पहले क्या हो यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल हो, तो जब हम कोई ना कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो वो सफिक्स क्या हो जाता है, वो सफिक्स हम लोगों को ऐड करने से पहले कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, आपने कई बार देखा होगा कि क्या हमने बताया कि यदि कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, ठीक, तो जब हम कोई सफिक्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। बात समझ गए, क्या कहने का मतलब है, कॉन्सोनेंट है किसी वर्ड के अंत में एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल है, तो कोई सफिक्स जब ऐड करेंगे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव में अगर बिग लिखा हो तो आप याद किए होंगे कि डबल जी ई आर होता है बिगर, और बी आई जी डबल जी ई एस टी बिगेस्ट, यानी क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, कॉन्सोनेंट डबल करने के बाद आपने क्या कर दिया, ई आर एड किया तो कंपरेटिव डिग्री बनी, ई एस टी एड करते तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती। कंफर्म हो रहा है क्या, अब बताया आपने। अब देखिए एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, कॉन्सोनेंट डबल, एक सफिक्स ऐड हुआ, सफिक्स ऐड हुआ ई एस टी और कॉन्सोनेंट डबल हुआ, आई में कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसमें बहुत सारे और भी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको मिल जाएगा डिम, डिम मतलब धुंधला होता है ना, डिमर हो जाएगा। डबल एम देखिए हो गया डी आई डबल एम ई आर, और आप देखिए इसमें हो जाएगा डी आई डबल एम ई एस टी, डिमेस्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे, और वर्ड आपको मिलने के लिए आप इसमें फैट है, ठीक है, इसमें आप फैट है, फिट है, एफ ए टी फैट मीन्स मोटा, एफ ए डबल टी आर हो जाएगा, एफ ए डबल टी ई एस टी हो जाएगा, इस तरीके से होता है फैटेस्ट। और क्या होता है फिट, फिट में क्या हो जाएगा, फिटर हो जाएगा और फिटेस्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है परंतु एग्जाम में पूछता है, ठीक है इसको। अब जब आपको पता रहेगा तो आप जान पाएंगे कि यहाँ मोर लगाना है कि मोस्ट लगाना है, यदि नहीं बन रहा है तो लगाएंगे, अदरवाइज इसको ई आर और ई एस टी से बनाएंगे, ठीक ना। तो ये वाले एक रूल हो गए, दो रूल आपने सीखा, एक आपने सीखा सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड कर देंगे, दूसरा आपने सीखा कि ई क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करते हुए ई आर और ई एस टी करेंगे। अगला रूल हमारा कहता है, अगला रूल है कि यदि किसी वर्ड के, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, वाई हो, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो, तो जब हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं तो वो हमारा वाई आई में चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, आई ई आर हो जाता है, आई ई एस टी हो जाता है। चलिए देखने क्या मतलब क्या, हमने कहा कि वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, प्लस ई आर एड करेंगे तो कंपरेटिव डिग्री बनेगी, आई बन जाएगा और ई एस टी चेंज कर बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं बिजी, देखिएगा बी यू एस आई ई आर बिजियर, बी यू एस आई ई एस टी बिजीएस्ट, ये हम लोगों का क्या बना, ये हम लोगों का बना पॉजिटिव से कंपरेटिव और कंपरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनी, इसको समझ गए हम लोग।
और इसमें कौन से वर्ड्स हैं, और इसमें हम लोग कहते हैं डर्टी हो गया, ड्राई हो गया, डर्टी हो गया, इसमें हम लोग ड्राई को पढ़ लेते हैं, है ना। ड्राई के बाद हम लोग बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, जैसे इजी है, फनी है, इजी है, फनी है। तो देखिए अब वही अप्लाई करेंगे आप, डर्टी है डी आई आर टी आई ई आर, डर्टियर हो गया डी आई आर टी आई ई एस टी, डर्टियस्ट हो गया। आप वही सेम फॉर्मूला अपना रहे हैं, देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को ध्यान देना है, ठीक है। डी आर आई ई आर ड्राइयर हो जाएगा, डी आर आई ई एस टी ड्राइयस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर इजी है तो इजियर हो जाता है, इजियस्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों का वर्ड फनी था, फनियर हो जाता है, इट वाज फनियर देन, है ना, समथिंग करके कुछ भी आप कह सकते हैं, ज्यादा फनी था, फनियस्ट सबसे ज्यादा फनी था, तो हो जाएगा फनियस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा रूल सीखा कि यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को वही रहने देते हैं, वाई को आई में चेंज कर देते हैं, ई आर एड कर देते हैं, और वाई को आई में चेंज करके ई एस टी एड कर देते हैं। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप एक वर्ड देखते हैं ग्रे, जी आर ए वाई ग्रे, तो आपने देखा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आप ग्रे को ग्रेयर ही बनाएंगे, ग्रेयस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, आई नहीं चेंज करेंगे, ग्रेयस्ट। तो देखिएगा ये अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं था तो आप लोगों ने वाई को आई में चेंज नहीं किया, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो तब ही चेंज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये आपने सीख लिया। इसके बाद हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे। अगला रूल हम लोगों का है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या करते हैं, आई ई आर ई आर आई ई एस टी ई एस टी ऐसा कुछ करके हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स की कंपरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। मोर या मोस्ट के अतिरिक्त तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, इट मीन्स उनको ई आर और ई एस टी करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे क्या कहने का मतलब है, यदि एक्टिव हो तो क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट एक्टिव। और देखिए इम्पोर्टेंट आप देखते ही हैं, इम्पोर्टेंट तो हो जाएगा मोर इम्पोर्टेंट, और आप लिखोगे तो हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप परिचित हैं, ब्रिलियंट तो हो जाता है मोर ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट, और देख सकते हैं आप इसमें और से है केयरफुल है, मोर केयरफुल आप कह देंगे, फुल में ध्यान रहे एक ही एल रहेगा, डबल एल नहीं रहता। ये स्पेलिंग में आता है क्वेश्चन कि इसमें यूजफुल की, ब्यूटीफुल की, केयरफुल की क्या स्पेलिंग है, तो एफ यू डबल एल सफिक्स के रूप में लगेगा लेकिन एक एल हाइड हो जाता है। जैसे आपने सीखा होगा बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अगर आपने पढ़ कहा हो ऑल प्लस रेडी, तो एक नई स्पेलिंग बनती है ऑल रेडी, आर ई ए डी वाई, एक एल देखिए हट गया। आपने सीखा है वेलकम, तो डब्ल्यू ई डबल एल सी ओ एम ई, लेकिन जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये स्पेलिंग ऐसे बहुत ही बहुत माइनर सी होती है, इजी सी, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में तो आपका एक क्वेश्चन कम हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एफ यू डबल एल है, जैसे यूजफुल है तो यू एस ई प्लस एफ यू डबल एल आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे
तो यूजफुल की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, वैसे ब्यूटीफुल की केयरफुल की एक एल रहता है। तो यदि आप कंफ्यूज हो तो आप उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि डबल एल नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही एल रहेगा। और कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। ऑल रेडी हो, ऑल राइट हो, ऑल माइटी हो, वेलकम हो, यूजफुल हो, केयरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडफुल हो, स्पूनफुल हो, तो ध्यान रखना है इसका। हम लोग एक एल हटा देते हैं, डबल एल को नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये कंफर्म हुआ। मोर केयरफुल है तो हम लोग कह देंगे मोस्ट केयरफुल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एक दूसरे से कोरिलेट करता है, तो आप किसी टॉपिक को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच रहता है, और इस अटैचमेंट को ही हम लोग कोरिलेट करके पूरा इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करते हैं। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि कैसे बहुत सारे, अब इसका एक रूल भी है, जैसे अगर आप समझना चाहें तो कई लोग कई बार कहते हैं कि इसका क्या हम समझें, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिस वर्ड में तीन चार पांच ऐसे सिलेबल हो, तो उसी सिलेबल के आधार पे हम लोग मोर या मोस्ट लगा देते हैं। अब ये सिलेबल क्या होता है, सिलेबल मतलब होता है वॉवेल का प्रोनंसिएशन, सिलेबल कहलाता है। जैसे अगर एक वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में देखने में आपको चार पांच लगेंगे, लेकिन अगर प्रोनंसिएशन एक आएगा तो एक सिलेबल कहा जाएगा। ठीक है, देखिएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखा है तो देखिए आप इसको कैसे बोलेंगे, ब्यूटीफुल, बीयू बी आपने अलग किया, एयू आपने अलग किया, टी अलग बोला, फुल अलग बोला, इसमें कितने सिलेबल है, इसमें चार सिलेबल है। लेकिन अगर वॉवेल गिने, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वॉवेल है परंतु सिलेबल थ्री है, ब्यू टी फुल। तो इसलिए ये वॉवेल का प्रोनंसिएशन, जब एक या दो तीन ऐसे वॉवेल एक ही प्रोनंसिएशन बनाए तो वन सिलेबल काउंट किए जाते हैं, और अगर एक से अधिक सिलेबल एक ही बनाए तो वन, और अगर एक सिलेबल एक बनाए, जैसे टी आपने एक पढ़ा, फुल में एफ यू, यू आपने एक पढ़ा, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। लेकिन एक से अधिक वॉवेल एक सिलेबल बनाए तो उनको भी एक ही काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जितना वॉवेल गिनेंगे उतना सिलेबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक थोड़ा सा बन जाता है कि कई बार की मतलब कैसे हम मोर या मोस्ट लगाएं, तो बेसिक यही है कि अगर सिलेबल तीन से चार से पांच से अधिक हो या तीन चार पांच हो तो मोर या मोस्ट लगाने का एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का एक अलग रूल है जिसमें न मोर लगा सकते, न मोस्ट लगा सकते, न ई आर एड कर सकते, न ई एस टी एड कर सकते। तो क्या करें, ऐसे वर्ड्स की एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इसकी फॉर्म ही चेंज कर देनी पड़ती है। जैसे अगर सेंटेंस में गुड लिखा है तो गुड का एडजेक्टिव न मोर गुड हुआ, न गुडर हुआ, कई बार आ जाता है, न बेटर हुआ, मोर बेटर नहीं हुआ, बेटर और बेस्ट। और एग्जाम में आपको मोर बेटर करके लिख देगा, मोर गुड करके लिख देगा, मोर बेस्ट कर देगा, मोस्ट बेस्ट कर देगा, तो सब कुछ गलत है। सिर्फ अगर कहीं बेटर लिखा रहे तो बेटर ही पॉजिटिव की करेक्ट कंपरेटिव होती है, बेस्ट लिखा रहे तो सुपरलेटिव होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में अनिवार्य रूप से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग मस्ट है, बिना द के सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। आप सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले द मिलेगा, द मोस्ट ब्रिलियंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट, द स्वीटेस्ट, द फनीएस्ट, द लगा मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो आर्टिकल का भी एक रूल है, और एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, डिग्री में भी पढ़ेंगे, बिना द के गलत हो जाएगा। यदि सेंटेंस में लिखा हो ही इज वन ऑफ मोस्ट बेस्ट बॉय, खाली बेस्ट बॉय, तो दोनों गलत है, जब तक द बेस्ट बॉय ना कर दे, विदाउट द सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। ओके, तो ये हो गया गुड बेटर। इसका इल भी देखिएगा, इल इल का होता है वर्स और वर्स्ट, वेल इसका होता है बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है, गुड
बेटर बेस्ट, इल वर्स वर्स्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ओल्ड हो गया ओल्ड का, और ओल्ड का क्या होता है एल्डर भी हो जाता है ओल्डर भी हो जाता है, ठीक, और एल्डेस्ट भी हो जाता है ओल्डेस्ट भी हो जाता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग है। ओल्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, एल्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, एल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, एल्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो फिलहाल हमने सीखा कि कैसे हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपरेटिव डिग्री में बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए कैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम लोगों को रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। अब देखिए ओल्ड, एल्डर, ओल्डेस्ट का, एल्डेस्ट का सबका रूल एक बार देख लीजिए इसका क्या है। तो देखिएगा ओल्ड का प्रयोग, ओल्डर का प्रयोग, एल्डर का प्रयोग, एल्डेस्ट का प्रयोग, ओल्डेस्ट का प्रयोग एग्जाम